यहाँ प्रदूषण की बहुत समस्या इस समय बढ़ी हुई है कानपुर में। यहाँ पे जहाँ जगह जगह पे कूड़ा कचरा सब भरा हुआ है, सुबह शाम बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को साथ लेने में, हम लोगों को गाड़ी चलाने में हर तरीके की बहुत समस्या आ रही है। एक तो डे टू डे व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, व्हीकल तो कम नहीं हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो हमारा जो है पूरा कंजम्पशन ओरिएंटेड है। हाँ, अभी डीजल पेट्रोल का तो इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन, तो ये तो कम नहीं हो रहा है। अब चेंज हो रहा है फेस, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज होने से क्या होता है, आपको पॉल्यूशन लेवल का जो है वो चेंज होता है। जैसे हम लोग माइक्रोग्राम जो वेट का हिसाब से मास कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो मास कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, इसे नंबर ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व होता है, पॉल्यूशन का क्वालिटी चेंज हो जाएगा, कंपोजिशन चेंज हो रहा है। जैसे क्या है, सीएनजी यूज़ हो रहा है, अभी पेट्रोल डीजल डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ हो रहा है व्हीकल, तो उसमें कंपोजिशन चेंज हो रहा है। पहले क्या है, जब आपने लखनऊ में देखा होगा, अगर लखनऊ का है, पहले टेम्पो काला धुआं निकलता है, दिस इज द ब्लैक सूट बोलते हैं, ब्लैक कार्बन सूट, वो हमारा शरीर में फैल जाता है, कपड़ा ख़राब कर दे, अभी वो चीज़ नहीं देख पाते। अभी हम लोग क्या है, इनविजिबल जो पार्टिकल है कणा है उसको देख नहीं पाते। गाड़ियाँ चल रही हैं उससे निकलने वाला धुआं, डीजल से निकलने वाला धुआं, उससे भी प्रदूषण है। प्लस इसके अलावा सड़क पे जगह जगह गड्ढे, रोड का सही ना बनना, उससे उड़ने वाली धूल, वो प्रदूषण का मेन कारण। इस समय 2:30 बज रहा है और आप देख सकते हैं कि ये पॉल्यूशन मीटर के मुताबिक जो एयर क्वालिटी लखनऊ में है वह अनहेल्दी है, और उत्तर प्रदेश के जो अन्य शहर हैं जैसे कानपुर है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं वहाँ पर जो वायु प्रदूषण है उसकी वह दिन पर दिन और ज़्यादा खराब होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।